अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों बेलियों ते सहेलियों की हाल चाल है ताडा ते अज असीं फिर हाजिर होए हां ताडी खिदमत विच एक होर वीडियो दे नाल ते अज असीं तुहानूं असीं दसांगे अपने तोते दीआं खसूसियात ते उहदे इलावा असीं जरा अज तुहानूं अपने तोते दे बारे ते उहदी खुराक दे बारे ते बाकी जिहड़ा चीज़ां तुहानूं अज दसांगे ते हम तोता लेके आए हैं। पहले तोता ये इस छोटे पिंजरे में था, अब इसे बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दिया है। बाकी इन्फॉर्मेशन इसके आपको लेके देते हैं। जी बताएं इस तोते के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, हम नया पिंजरा लेकर आए हैं। आपको पता लग रहा होगा ये हमारा पुराना पिंजरा था। ये कितना छोटा था इसके आगे, अब ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ये हम नया पिंजरा भी लेकर आए हैं और हमने इसको शिफ्ट भी कर दिया था, वो हम भूल गए थे, हमने वीडियो बनानी थी, इसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत। तो ये हम इस पिंजरे से हमने ये वाला पिंजरा था, ये छोटा पिंजरा था, तो हम इसके लिए ये ले आए हैं बड़ा पिंजरा। अब जट साहब एक कली जान है, ये तुसी उनका घर बड़ा की थी जा रहे, उनका को खानदान भी बड़ा करो, पता लग गया। लेकर आएंगे फीमेल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्यों टेंशन ले रहे हैं तो। ये देखिए कितना खुश है, अब इंशाल्लाह इसमें हमारी पेयरिंग करेंगे इस महीने, इस साल के एंड पे पेयरिंग स्टार्ट होगी, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आप बताएं गनी भाई। तो हाँ, वो तो इंशाल्लाह हम करेंगे, हम चाहते भी। हाँ तो बाकी ये हमने बहुत ही खूबसूरत सा जो है ये तोता हमने रखा हुआ है, और हम तो जट साहब को इस बारे में भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसका ज़रा जोड़ा छोड़ा भी बनाएं, ताकि कोई इनका हो कोई ख़ानदान बड़ा हो, ताकि ज़रा पिंजरा भरा भरा लगे। ये अकेला बेचारा यहाँ पर क्या करेगा, कभी उस दीवार पे जाना है कभी इस दीवार पे, तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके, सुके, सुके। बाकी जट साहब आप जरा हमें इसके खाने की भी रूटीन बताएं। खाना वही जो मैं उनको डालता हूँ ना, जो आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था, गर्मियों में जो मैं इनको खाना डालता हूँ मिक्स करके, तो वही मैं फिलहाल इनको इसको भी वही खाना डालता हूँ, ताकि वो नरम होता है, खा लेते हैं। और कभी कभी थोड़े बहुत इनको वो सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड्स जिनको कहते हैं, मैं वो डाल देता हूँ, वो बड़े शौक से खाते हैं ये। जट साहब ये तोतों के बारे में बड़ा मशहूर है कि मिर्चे शिर्चे खाते हैं, यहाँ पे वैसी कुछ नजर नहीं आ रही है। मैं इनको मिर्चे भी डालता हूँ, इनको फ्रूट्स भी डालता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी इनके बाउल में इनको टमाटर शमाटर रखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, तो हम तो वही देख रहे हैं, हमने कहा मकईश का ही रखी है, आपने कोई मिर्चे कोई अमरूद ये जरा दिखाएं जरा। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने इनके लिए अभी टमाटर लेकर आया था, आड़ू डाला, ये खीरे मैंने काटे हैं इनके लिए, ये चेक करें, गाजरें हैं अंदर, साथ गोभी भी है। ये मैं इनको डालता हूँ, आप देखें ये बड़े शौक से खाते हैं। ये तो आप तोतों को हमारे से ज़्यादा याशी करा रहे हैं। बाकी जो है बात, मैंने देखें इनको ब्रेड भी डाली हुई है, वो गीली करके आपको दिखाएं राना साहब, ये ब्रेड डाली हुई है मैंने इस बाउल में मैंने इनको वो खाना डाला हुआ है, साथ मकई डाली हुई आपको नज़र आ रही होगी, साथ ही फ्रूट, साथ पानी और ओआरएस वाला पानी है, बड़ा खुश रहता है ये। तो ये काफ़ी आपने नेचुरल जो है इसकी खुराक भी रखी हुई है। उसके अलावा आप ये हमें बताएं कि जिस तरह आपने फ्रूट रखा है, तो ये अगर खा लेता है ये इसका कितने आप देर रखते हैं, कि अगर इन केस ये थोड़ा बहुत खाता है और बाकी जो है उसका फिर क्या प्रोसीजर है, ख़राब होता है क्या होता है? ये अभी मैंने फ्रूट रख दी है ना, तो ये अभी अपना बाजरा वगैरह नहीं खाएगा, ये फ्रूट खाएगा, ये अब कल देखेंगे खाली होगा बिल्कुल ही, तो ये नहीं छोड़ते। ये पैरेट्स बड़े तेज़ होते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, फ्रूट्स ज़्यादातर पानी होता है, खीरा टमाटर इनमें, तो ये इनको जल्दी हज़म हो जाता है, जल्दी ये जब अपनी बिट वगैरह करते हैं तो जल्दी इनका पेट भी साफ़ होता रहता है, तो इससे जिस तरह हम पानी जितना मर्जी पी लें वो जल्दी हमारा पेट खाली हो जाता है, तो इसलिए खाना ये बचता नहीं है। सही और आप दोनों को पता है मैंने आप दोनों के लिए एक सरप्राइज रखा है। क्या बात है जट साहब, आपने हमें पहले ही ये सरप्राइज दे दिया, आपने उसके लिए पिंजरा ले आए हैं, तो ये तो तोते के लिए सरप्राइज था, तो हमारे लिए क्या सरप्राइज है हमें जरा वो भी बताएं आप। आपको पता ही नहीं है क्या सरप्राइज है। A few inches later. तो जी जट साहब आप जरा बताएं हमें कि आपने क्या सरप्राइज लाया हमारे लिए, हम तो बिल्कुल देखना चाहेंगे, तो जरा हमें जल्दी जल्दी बताएं आप सरप्राइज के बारे में। ये मैं आपको सरप्राइज दिखाता हूँ, एक ये भी इनको नहीं पता मैं अपने तोते के लिए फ़ीमेल ले आया हूँ, तो इनको ज़रा भी नहीं पता है मैंने ये फ़ीमेल का पिंजरा जो है ना, मैंने ये देखें यहाँ छुपा के रखा हुआ है, मैं फ़ीमेल भी ले आया हूँ, अभी मेरे दोनों दोस्तों को नहीं पता। देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी फ़ीमेल लेकर आया हूँ मैं ये, तो अभी इनको दिखाएंगे फ़ीमेल, इनको अभी नहीं पता कि हम फ़ीमेल ले आए हैं, अभी देखते हैं उनका क्या रिएक्शन था। ये देखिए मैं फीमेल ले आया हूँ, ये आ गए हैं,
ये देखिए फ्रेंड, मैं इसके लिए फीमेल लेकर आया हूँ। जाट साहब, ये हमसे ज्यादा तो आपने तोते के लिए सरप्राइज कर दिया, यकीन माने। आप तो मैं कह रहे थे कि सर्दियों में विंटर में पैर बनता, आप पहले ले आए हैं। नहीं, मैंने कब कहा है, मैंने तो सोचा था, मैं कल का वेट कर रहा था, रात का मैं लेकर आया था। तो ये देखिए, मैं इसके लिए फीमेल ले आया हूँ। ये के बस ये सरप्राइज के चक्कर में वैसे ये ज्यादती है तोते के साथ, वो बेचारा तो बेचैन होगा। कोई मसला नहीं, अब ये मैंने आप लोगों को सरप्राइज दिया, अब हम बाहर जाएंगे ना, तो आपने वो लोगों ने मुझे जूस शूस पिलाने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, ये आपको सरप्राइज जो है तोते के लिए, तो जूस भी आप उसी से एक्सपेक्ट करें। नहीं, अब ये क्या बात है, आप ये चीजें आप नहीं है इसका मतलब है। जी जी, वो तो है, लेकिन ये मजे तो तोते के आपने कर दिए, और बाकी इनको आप इकट्ठा भी करें ताकि उनकी जरा प्यार मोहब्बत की बातें हो। मेरे फ्रेंड्स, अब इनको हम इकट्ठा करते हैं, देखते हैं अभी क्या कैसा रिएक्शन है। जी, अभी तोते को रिलीज करके आपको दिखाते हैं बड़े वाले नेट में। बाकी ये तोता कोई छलांगे नहीं मार रहा है, बल्कि इसको तो खुशी होनी चाहिए, यहाँ तीन छड़े लोगों में वो अकेला जो है वो अपना पैर बना गया। ब्रो वो ये भी हमारा पैरेट भाग गया था जब हमने इसको पकड़ रहे थे, ये भी मैं लेकर आया हूँ। ये देखें, बड़ी एग्रेसिव फीमेल लग रही है मुझे, शुक्र है इसने मुझे काटा नहीं, हमें तरीका था पकड़ने का। तो आप अगर इनको ज़्यादा देर दूर रखेंगे तो ये आपको काटेंगे भी और झपटेंगे भी, तो आप देखते हैं हम इनके कितनी प्यार मोहब्बत होती है। बाकी ये मेल तो डर रहा है इससे, मेल तो दूरियाँ अख्तियार कर रहा है, किसी और के साथ मोहब्बत के वादे तो नहीं किए हुए हैं मोहतरम ने। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। नहीं नहीं, करीब हो गए। बोल रहे हैं ये साहब, ऐ थानू दुआवां देंगे, ऐ जेड़ा तुसी उन्हां नू, ऐ नेड़े हो रहा, क्या बात है। थानू साहब जरा जे नेड़ा होके विखाओ, इन्हां दी प्यार मोहब्बतियां गल्लां भी ते जरा वेखो, इन्हां दा तो जोड़ा बन गया हुण, बस अन करीब साढ़े भी। ये अब आपको दिखाते हैं कि हम अपने तोतों को और क्या क्या चीज़ें डालते हैं। ये थोड़ा सा ब्रेड वगैरह के क्रम्स पड़े हुए थे, ये अब डालेंगे हम इनको। और ये तर और खीरा है, तर आपको पता है गर्मियों में बहुत मुफीद होती है जानवरों वगैरह के लिए, इंसानों के लिए भी। और ये गोभी है, गोभी का जो ऊपर फूल है वो हमने खा लिया, और ये जो गोभी है ये अभी हमारे तोते वगैरह भी खा लेंगे। यहाँ कोशिश किया करें ग्रीन फूड जो है ना, जितना मर्जी आप पैरट्स को दें, जितना मर्जी अपने जानवरों को दें, गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, तो ये अब हम डाल देंगे। अच्छी बात है जज साहब, ये तो आप बड़ा इनका ख्याल रखते हैं, हेल्दी फूड वगैरह देते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे ही रख देंगे और ये खुद ही ना खा लेंगे। तो ये कोई मैश मुश करके नहीं इनको डालते? नहीं, ये खुद ही खा लेंगे, अल्लाह ताला ने इनकी चोंच जो है ना वो बहुत तेज बनाई हुई है। और उसके अलावा ये ब्रेड आपने कब डाली है, आपने ऊपर ही? ब्रेड अभी हम इसको ना, ये देखें, अब ये देखें, ये देखें, यहाँ से ब्रेड खुद ही चली जाएगी अंदर। चले जी, सही हो गया है साहब। बाकी आप प्यार मोहब्बत की बातें करके आप ऑडियंस को अनाफिस करने पे। आज हमने आपको दिखाया है तोतों के बारे में, हमारे पास दो ही तोते हैं, पूरा पेयर है इसका। आज हमने आपको दिखाया कि जी कैसे हमने फीमेल और मेल दोनों एक ही पिंजरे में शिफ्ट कर दिए हैं। और भी हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। जी, अल्लाह हाफिज़।